ये ये हलन है सबके साथ, ये वे और रे क्या है, हलन। परिभाषा लिख लो इसकी। भैया इस संधि में सबसे ज्यादा उपसर्ग प्रयुक्त हो गया, क्या होते हैं उपसर्ग, जैसे अभ्युदय दे दिया सो। तो इसमें उपसर्ग क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में इसमें क्या नहीं है, क्या है अभी अपनी प्लस है। तो ये अभी इसमें उपसर्ग है, अभी क्या है। तो देखो अधिकतर जो उपसर्ग होंगे ना वो कौन सी संधि में आते हैं, यण संधि। यण संधि कौन सी संधि में, और यण संधि किसे कहते हैं, यदि। ऐसा मान स्वर का मतलब क्या होता है कि ई के साथ में ई नहीं आएगी, ऊ के साथ में क्या नहीं आएगा, और ई के साथ में क्या नहीं आएगी, री। इसके अलावा ई ई ऊ और री के अलावा इनके साथ में कोई सा भी क्या हो सकता है, स्वर, कोई सा भी अन्य स्वर हो। तो ये ई ई किस में बदलेगी, ये में, ऊ किस में बदलेगा, र में, और री किस में बदलेगी, र में। याद हो गया, पीछे गुण स्वर संधि बताओ किसे कहते हैं, गुण संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी, फिर कौन सी पढ़ी थी, फिर यहाँ तक आ गई, इसको छोड़ो। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, जिसमें और छोटा बड़ा और री, ये किस में बदल जाएंगे, बड़े में, बड़े हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, ये तो कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। इसके अलावा कौन सी भैया, इसके बाद में, आ के बाद में, क्या हो, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और री। तो ये किस में बदलेंगे, ओ और आर में बदल जाएंगे, किस में बदल जाएंगे। ये कौन सी संधि हो गई, कौन सी संधि, आपको याद होना चाहिए, किताब में मत देखो। देखो दीर्घ संधि में क्या आएगा, ए ई ई ऊ और री, ये अपने समान स्वर से मिलकर क्या हो जाएंगे, ठीक है, आ ई ऊ और री दीर्घ हो जाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, दीर्घ संधि। अब इसके बाद में देखो कौन सी संधि, ऐ या आ के बाद, इसके बाद में क्या आ जाए, और किस में बदल जाएंगे, ए ओ आर। अब देखो कौन सी संधि, वृद्धि संधि, किसके बाद में, क्या आएगा, ए आई और ओ आओ, किस में बदलेंगे, आई आई में, और ये किस में बदलेगा, आओ में बदल जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, अब देखो मैंने लिखा महोज, क्या लिखा, इसमें बताओ कौन सी संधि है, अरे इधर देखो कौन सी संधि है, डबल मात्रा,
तो देखो यहाँ पर महा प्लस भोज, भोज महा प्लस भोज, तो यहाँ पर क्या है आ, और यहाँ पर क्या है ओ, यहाँ पर क्या है ओ, अब देखो आ के बाद में क्या आ जाए, नहीं उसमें जाओ वृद्धि में, आ के बाद में क्या आ जाए ओ, ओ, आ के बाद में ओ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ओ, तो क्या बन गया ओ, महो, क्या बन गया ओ, मैंने आपको बताया था देखो रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये आउ की मात्रा है ना, ये ही क्या बता रही है कौन सी संधि है, अगर ये आ जाए महेश तो किसकी मात्रा आ गई एक ही, इसका मतलब कौन सी है गुण संधि, फिर देखो महोत्सव तो किसकी मात्रा आ रही है तो कौन सी संधि है, बस आया क्या समझ में, पहले भी मैंने बताया था कि सबसे पहले तो आप मात्राएं देख लो, क्या देख लो मात्राएं, अगर ये आ गया महोत्सव तो देखो इसमें यहाँ पर किसकी मात्रा आ रही है ओके, किसकी मात्रा आ गई ओके, तो इसमें ये ओ की मात्रा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि महोत्सव में गुण संधि है या वृद्धि संधि है या फिर यव संधि है या तीर संधि है, बताओ कैसे पता चल रहा है, इसमें कौन सी मात्रा है ओके, और ओ की मात्रा किसमें आएगी गुण में, और इसी के ऊपर अगर डबल मात्रा लगा दे तो क्या हो जाएगी वृद्धि, ठीक है, और आ की मात्रा जहां पर भी आ रही है वहां पर ई बड़ी ई की मात्रा, जैसे महेंद्र तो किसकी मात्रा आ गई बड़ी ई की, इसका मतलब कौन सी संधि है दीर्घ संधि, बड़ा उ की मात्रा आ जाए वधूस्व, ठीक है, तो लघुतर लघु बड़ा उ की मात्रा आ रही है तो कौन सी होगी दीर्घ संधि, ठीक है, यानी अगर बड़ा आ गया कहीं में भी, जैसे कोई उदाहरण बताओ छात्रावास विद्यालय और छात्रावास छात्रावास, ठीक है, अब यहाँ पर देखो किसकी मात्रा है, यहाँ किसकी मात्रा है आ की मात्रा, इसका मतलब कौन सी संधि है दीर्घ संधि, कौन सी संधि है दीर्घ, अगर ऐसे ही एक ही और ओ की मात्रा आ जाती है तो कौन सा गुण, और वृद्धि में किसकी मात्रा आएगी ओ आउ, नहीं इसको आई बोलते हैं आई और आउ, ठीक है, ये ओ नहीं है, ये क्या है आई, और ये क्या है आउ, ठीक है, आई और आउ, ये ए और ओ, ये छोटी है वो बड़ी, ठीक है, ये छोटी है ये बड़े, ऐसे याद करिए, इधर तो एक मात्रा लगेगी दोनों पर ही और इस पर दो मात्रा लग जाएगी, ठीक, अब देखो कौन सी संधि है यंग संधि, यंग संधि में क्या होगा ई की और उसके बाद में क्या हो असमान, असमान स्वर का मतलब इनके अलावा कोई स्वर होना चाहिए, यानी ई के साथ में क्या नहीं आएगा उ के साथ में क्या नहीं आएगा और री के साथ में क्या नहीं आएगा असमान, कोई सा भी स्वर हो तो एक इसमें बदलेंगे भैया यह वह और यह वह रह क्या होंगे हलंत होंगे, हलंत का मतलब जानते हो, जैसे मैंने कहा मैं अगर मैं कहूँ कि इसको अलग अलग करो कमल को क्या करो अलग करो, तो देखो प्रत्येक जो व्यंजन होता है वो किसके सहयोग से बनता है स्वर के सहयोग से, किसके सहयोग से स्वर के, फिर देखो जैसे मैंने लिखा कु, तो इसमें से अगर हम ये स्वर की मात्रा है इसको हटा देंगे तो ये क्या क्या हो जाएगा और ये क्या हो गया ओ की मात्रा किसके लग जाएगी कैसे, तो ये क्या बन जाएगा ऐसे, देखो इसको अलग करते हैं कमल को तो क्या है फिर क्या आएगा ए, फिर क्या आएगा मैं, फिर क्या आएगा फिर क्या आएगा और फिर क्या आएगा, इस प्रकार से ये क्या हो गया इसका ये टूट गया, ये जो वर्ड है वो क्या हो गए
का लेकिन यहाँ पर ये जो वर्ण बदलेंगे वो आधे में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे यानी इसमें स्वर नहीं, जिसमें तब्दील होंगे बदलेंगे उनमें क्या नहीं है, स्वर नहीं है, यानी वर्ण कैसे होंगे आधे। शब्द लिख रही हूँ आप संधि बताना, ठीक है, तैयार रहना। शब्द लिख रही हूँ ये बताई जाएगी, कौन सी संधि है, कौन सी संधि चलेगा होता है, संधि विच्छेद का होता है, शारदा नहीं होगी, सरद होगी, सर उन्होंने लिख दिया है सा पे आठ डंडे बटा दो, शारदा उत्सव, सही है, कौन सी संधि है, अब आप बताओ, बीच वाला या केवल ये भैया बताएंगे कौन सी संधि है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं संधि पूछ रही हूँ, विच्छेद नहीं करवा रही, संधि कौन सी है, गुण कैसे आए, वृद्धि वृद्धि देखो आप बार बार, इसका मतलब आप घर जाके पढ़ते नहीं हो ना, आप याद कर रहे हैं, ये बता दिया कि कौन सी संधि है, क्लास में बैठे बैठे व्हाट्सएप के लग रहे हो तो फिर कैसे समझ में आएगा, कौन सी संधि है, एक ही मात्रा आ रही है, किसकी मात्रा आ रही है, अभी अभी यहाँ पर लिखा है कौन सी संधि, किसकी मात्रा आएगी, एक ही और होगी, शब्द लिख कर भी समझा दिया, एक ही मात्रा देखते ही आप ये समझ जाओ कि कौन सी संधि है, गुड़ संधि है। फिर देखो दूसरा बता रहा हूँ, रमेश अब बता कौन सी संधि है, अब कौन सी संधि है, गुण संधि, सोधारण यही बताएगा केवल, बता कौन सी संधि है, हाँ गुण है, अब आया समझ में कुछ, आगे देख, मतैकता, अब बता वृद्धि, वृद्धि कौन सी है, वृद्धि संधि, और बता महोज, महोसत, अब बता कौन सी है, वृद्धि, अब आया क्या कुछ, तो देखो ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, आपको पहले भी समझाया था कि आप ध्यान डाइवर्ट मत करो, कौन सी संधि है यहाँ पर, वृद्धि, अब बता इसमें बता कौन सी संधि है, संधि नहीं है, क्या है, संयोग है, अब इसका दिमाग कहाँ का तेरा ध्यान, अब बताओ इसको बदलते हैं भैया, देखो यण संधि अत्यधिक, उदाहरण देखो यण संधि की, अत्यधिक, फिर दूसरा देखो स्वागत, तीसरा देखो अन्वेषण, अत्याचार, सबसे पहले तो इसमें आप ये देख लेना कि जो वर्ण है ना वो आधे आधे वर्ण आएंगे, कैसे वर्ण आएंगे, अगर किसी भी संधि में आधे वर्ण नहीं है इसका मतलब वहां पर दीर्घ संधि और क्या नहीं है, गुण संधि नहीं है, और कौन सी संधि नहीं है, वृद्धि संधि, देखो दीर्घ संधि है ध्यान रखना, गुण संधि में और वृद्धि संधि में आधे वर्ण नहीं आते, कौन से वर्ण नहीं आते, आधे यानी हलंत, ठीक है, हलंत वर्ण नहीं आते। अब कौन कौन सी संधियों में, दीर्घ जो स्वर संधि होती है, कौन सी संधि, स्वर,
स्वर संधि में देखो कितने भेद हैं, फिर कौन सा है और फिर वृद्धि। ये जो तीन संधि है इन तीनों में ही हलंत वर्ण नहीं आते। कैसे वर्ण नहीं आते? हल यानी आते, हल का मतलब क्या होता है? आधे वर्ण इस चीन में नहीं आएंगे, दीर्घ में, गुण में और वृद्धि में, ठीक है। इनमें क्या नहीं आएंगे? आधे वर्ण नहीं आएंगे। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या आ गया? आधा। यहाँ पर क्या आ गया? आधा। यहाँ पर क्या आ गया? आधा। आधा आधा आ रहा है, क्या आ रहा है? आधा आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों संधि नहीं है। फिर कोई अगली संधि पर ही आप दिमाग लगाना। आधा वर्ण आ रहा है तो इसका मतलब ये तीनों संधि नहीं है, इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना एग्जाम में। आधे वर्ण है तो इसका मतलब इन तीन संधियों को तो छोड़ ही देना, ठीक। और अगर एक ही मात्रा आ रही है तो कौन सी संधि? एक ही मात्रा आ रही है, आई की मात्रा आ रही है और ओ की मात्रा आ रही है तो ओ की मात्रा और आओ की वृद्धि और आ की और ई की ऊ की बड़ी री आऊ की चुप रहना आऊ की वृद्धि आए ओ की ओ के गुण आ जाए और ए में ओ में गुण आ जाए आऊ में और आई में वृद्धि। शाबाश, ठीक है। बस यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत आत्मसंतुष्टि मिल गई कि आपको कुछ आया है। अब यहाँ पर कुछ संस्कृत में कुछ आप ज्ञाता भी जान होते हैं, संस्कृत के भी ज्ञाता बैठे हुए हैं। देखो भी 11 संधि आप कुछ बोलो, बस इतना ही याद करो ई ई ऊ ऊ और री के बाद में, किसके बाद में बोलो आप? री के बाद में। री के बाद में क्या है? कोई असमान है तो ये किस में बदल जाएंगे? और ये वगैरह क्या होंगे? हलंत। ये वगैरह क्या होंगे? हलंत। अब देखो हमने शब्द लिखा है अत्यधिक, क्या लिखा है? अत्यधिक। अब इसका विच्छेद कहाँ से करें बताओ? क्या आ जाएगा? अति प्लस अधिक। कहाँ से तोड़ दिया इसको? आधे शब्द में से तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? देखो इसको समझते हैं। अत्यधिक यहाँ ये है ना, इसका मतलब यहाँ पर विकार होगा, ठीक है, यहाँ विकार होगा तो इसको तोड़ते हैं अपन। ध्यान दे बोर्ड पर, ये है एस, ठीक है। क्या है? प्लस यहाँ पर क्या है? छोटी। क्या है? छोटी। लिख दो छोटी। फिर क्या है? तय। तय क्या है भैया? ई की मात्रा हटती तय क्या हो जाएगा? अलग। फिर क्या है? फिर क्या है? फिर क्या है? छोटी। फिर क्या है? फिर क्या है? कै। इस प्रकार से टूट गया पूरा का पूरा। इसकी मात्राओं को क्या कर दो? अलग कर। इसको कर दो अलग। अब इसको जोड़ो देखो। तक बात ये है ना मैडम, क्या ये आपने भी चीज थी बिछे दिया पर इसमें भी है आके बाद ये नहीं आएगी, तो आएगा उसके बाद ही है। यहाँ यहाँ यहीं यहीं आके बाद था ई ई नहीं था, ये पहले था। क्या है? मात्रा है, सही है। अब देखो ये क्या है? इसको लिखो ऐसे कैसे? ए तो अपने आप में स्वर है ना, ए अपने आप में क्या है? तो स्वर है, इसमें मात्रा ही नहीं है तो ऐसे कैसे आ जाएगा? फिर देखो क्या है? अलंत है। अब यहाँ पर क्या आ गई? अब ऊपर देखो ई किस में बदलती है? ई किस में बदलेगी? और ये क्या है? अलंत। अब तय क्या है? आधा। इसको लिख दो। अब ये में बदल गई तो ये को भी लिख दो आप, ठीक। आधा है ना ये। अब
ये क्या है आ, फिर क्या है फिर क्या है छोटी फिर क्या है फिर क्या है फिर क्या है फिर क्या है और फिर क्या है आप जोड़ो ठीक। अब कैसे जोड़ेंगे देखो ऐसे कैसे आ गया तय आ गया आधा चाहे तो इसको ऐसे लिखो कैसे भी लिखो। अब देखो यहाँ पर क्या है इक्कीस में बदलेगी इक्कीस में बदलेगी ये लिख दो ठीक। अब देखो ये क्या आ रही आ से हलंत कट जाएगा ना हाँ ये हलंत आ गया ना तो यहाँ पर पूरा हो गया ना ठीक है ये इसमें मिलते ये क्या हो गया पूरा हो गया ठीक भैया ये इसमें मिल गया। अब देखो यहाँ पर तय है तय के बाद में किसकी मात्रा है तो तय लिख के इसकी मात्रा लगा दो और क्या बच गया ये इसमें मिल जाएगा ये पूरा हो जाएगा। अभी देखो स्वागत सु प्लस इसका क्या होगा सु प्लस अब देखो यहाँ पर स्वागत कैसे बना ये है क्या है यहाँ पर क्या है छोटा और ये क्या हो गया सह हलंत हो गया सह क्या हो गया अब देखो क्या है ठीक है। अब ये जो छोटा ऊ की मात्रा है वो किसके लग जाएगी और क्या लग जाएगा ये किस में बदलेगा बदलेगा वह में बदल जाएगा वो स्वागत दोबारा से देखो अब तोड़ते हैं अत्याचार का क्या होगा तीन अत्याचार। अब देखो ये स्वागत है ना उसमें अगर ये पूछ ले स्वागत कौन सा उपसर्ग है कौन सा उपसर्ग है भैया स्वयं नहीं है इसलिए स्वयं दिखाई दे रहा है और अभी तो इसको तोड़ा था आपने क्या तोड़ा था आगत तो कौन सा उपसर्ग है इसमें सु। अब इसमें संधि भी है कौन सी संधि है यल स्वागत में कौन सी संधि है यल। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर इसकी संधि करते हैं सु प्लस तो ये सु क्या है उपसर्ग सु क्या है उपसर्ग। अब देखो अति प्लस अति इसमें उपसर्ग कौन सा है अति है कौन सा है अति अति है ठीक है जबकि दिखाई नहीं दे रहा क्या दिखाई दे रहा है क्या दिखाई दे रहा है क्या दिखाई दे रहा है किसमें भैया ये अत्यधिक है बताओ क्या है इसमें उपसर्ग पूछू तो अति क्या है अधिक क्या रहा है जबकि संधि के अनुसार इसमें उपसर्ग क्या होगा ठीक है उपसर्ग में संधि के अनुसार होगा। हाँ आप इसमें ये मत मत कर देना अगर परीक्षा में आए अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है तो क्या है अति अति देखो तभी जिसमें अब देखो इसमें है ना ए दिखाई दे रहा है क्या दिख रहा है तो उसमें ऑप्शन में ए भी होगा अत्यधिक में उपसर्ग है ऑप्शन ए ऑप्शन बी अति ऑप्शन सी अति ठीक है ऑप्शन डी अत्य बताओ क्या होगा अति बी ऑप्शन देखो अति आ रहा है इसमें एक अति मैंने बड़ी भी लिखी है इसमें अति जो है वो क्या है छोटी ठीक है क्या है जैसे क्वेश्चन आ गया कि स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है स्वागत में कौन सा उपसर्ग है फिर देखो सुनो ऑप्शन ए सु ऑप्शन बी सु ऑप्शन सी सु और ऑप्शन है डी तो बताओ कौन सा है कौन सा है स्वयं कौन सा है।
विच्छेद क्या हो रहा है, सु प्लस इसलिए इस संधि को ध्यान से पढ़ लेना, इसमें अधिकतर क्या है उपसर्ग, इसमें से क्या पूछे जाएंगे उपसर्ग। ठीक, अब देखो अत्याचार अति प्लस आचार। अब देखो यहाँ पर अत्याचार में उपसर्ग कौन सा है भैया, अति। अति क्या है उपसर्ग, और अति है अति नहीं है अति, यानी छोटी है बड़ी नहीं है, तो अत्याचार में कौन सा उपसर्ग अति। मैं कह रही हूँ कौन सा उपसर्ग, तो वो बोल रहा है संधि, संधि तो देखो संधि अगर पूछेंगे तो कौन सी हो जाएगी यार संधि, कौन सी संधि यार संधि, कोई बात नहीं हो जाती है मिस्टेक, कोई बात ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, बोलने में मिस्टेक हो जाती है बेटा, एजिटेशन हो जाती है। अब एक बात याद दिलवा देना जब क्लास ओपन हो जाए तो इसके ऊपर एक छोटी सी शायरी स्वागत पहला उदाहरण देखो, अध्यादेश से पहले स्वागत कर लेते हैं इसका हम, तो क्या होगा प्लस। अगर इस शब्द को तोड़वाए तो कौन तोड़ सकता है आप में से, इस शब्द को तोड़ो, आपने तोड़ दिया सर, वर्ण विच्छेद सर के क्या करूं हलांत, फिर क्या लिखूं वाऊ, फिर क्या लिखूं इसके हलांत, फिर क्या लिखूं आ, फिर क्या लिखूं गे हलांत, फिर गे फिर गे हलांत, और फिर गे। अब इसको जोड़ेंगे तो आधा सर, फिर ये इसलिए बता रहे हैं कि शब्द आ जाता है जिसे राष्ट्र दे दिया, क्या दे दिया क्रम पूछ लेता है कौन सा दे दिया है, नहीं नहीं वो क्रम अलग होता है, क्या है राष्ट्र। अब इसमें देखो क्या है श्याबाश, क्या है और फिर श्याबाश, फिर आदाब, फिर एली को क्या डर 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 जोड़ दो, ये क्या हो गया राष्ट्र, ये क्या हो गया और फिर ये क्या हो गया राष्ट्र, ठीक है। आप तो आओ क्या पूर्ण तो बीते हो आप भी छोटा, देखो भैया यहाँ पर क्या है छोटा और यहाँ पर क्या है यानी ए समान क्या है कर दो, अति प्लस यहाँ पर ये क्या है
अध्यादेश लिख दो मैडम, अध्यादेश अध्यादेश अति प्लस अध्यादेश 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 क्या हो जाएगा? अभी प्लस आदेश अभी प्लस आदेश अभ्यार्थी अभ्यार्थी अभी यहाँ पर क्या है? उपसर्ग उपसर्ग फिर क्या है? अभ्यार्थी अभ्यार्थी बताऊँ अभ्यार्थी सही है क्या? नहीं गलत गलत सही ये हमें कैसे पता चलेगा? पहले ये देखो इसको तोड़ दो अभी प्लस अर्थी 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 ऐसे लिखेंगे या अर्थी ऐसे लिखेंगे? संधि दूसरी है इसमें इसमें संधि दीर्घ है यानी है ना यानी है क्योंकि अभी प्लस आर्थी होगी ना क्योंकि आर्थी तो कोई शब्द ही नहीं होता है अभी धनार्थी होगी ना अभी धनार्थी फिर अभ्यर्थी अभ्यार्थी शब्द है शब्द जैसे अभ्यार्थी होता है अभी तोड़े देखो दीर्घ है तो जो में कौन सी है दीर्घ ही है अभ्यार्थी अभी प्लस अभ्यार्थी में दीर्घ है और जो में आर्थी अभ्यार्थी मिलाओ से ना अभी प्लस क्या हो गया आप कहाँ से आ गया फिर इसमें अभ्यार्थी में तो यही होगा अभ्यर्थी होगा फिर अभ्यार्थी शब्द है तो उसमें दीर्घ होगी अभ्यर्थी होगा जैसे अभ्यार्थी है ना अभ्यार्थी का मतलब क्या होता है आर्थी कुछ नहीं होता अभ्यर्थी होगा जैसे अभ्य अभ्य का मतलब होता है कि जैसे डर ना हो आगे तोड़ो भैया गत के अमर हो जैसे अभ्यारण होता है ना बिना डर के वाहन वीक्षण अभ्य प्लस अध्यक्ष अध्यक्ष गत्यवरोध देखो ये जो शब्द है ना वो चुनिंदा शब्द है जो आने लायक है वैसे तो बहुत ज्यादा है व्यवहार देखो ये शब्द है ना सारे के सारे पूर्व परीक्षा में आए हुए हैं ठीक है अपने मन से तो अपन कुछ भी लिख सकते हैं पूर्व परीक्षा में आए हुए हैं और इनमें है ना उपसर्ग भी पूछते हैं जरूरी नहीं है कि संधि पूछे जैसे अनवीक्षण दे दिया और इसमें कौन सा उपसर्ग है तो कौन सा है अनु क्या है अनु ऊपर वाले में देखो अध्यादेश तो इसमें कौन सा उपसर्ग है फिर देखो अनवीक्षण अनवीक्षण शब्द शुद्धि में भी पूछे तीन क्वेश्चन आते हैं इसमें अनवीक्षण शब्द शुद्धि में पूछेंगे एक उपसर्ग पूछ सकते हैं एक क्या पूछ सकते हैं संधि पूछ सकते हैं और संधि विच्छेद पूछ सकते हैं चार क्वेश्चन एक तो क्या पूछेंगे अनवीक्षण में कौन सी संधि है एक तो क्या पूछ लिया संधि फिर क्या पूछ लिया उपसर्ग फिर क्या पूछ लिया शब्द सुनते मैंने लिख दिया सुनो इधर देखो उसको मत देखना इधर देखो अनवीक्षण अनवीक्षण अनवीक्षण
अनुवीक्षण, बताओ कौन सा शब्द सूत्र है इनमें से, बताओ उधर मत देखो कौन सा है। ये तो शब्द सूत्र का हो गया, फिर ये पूछ लिया इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो भैया ऐसे भी देंगे अन, दूसरा दे दिया अनु, तीसरा दे दिया ऐ, और चौथा दे दिया अन भी, तो बताओ कौन सा है, कौन सा उपसर्ग है, दूसरा उपसर्ग कौन सा है अनु, कौन सा उपसर्ग है अनु। फिर क्या पूछ सकते हैं इसमें, संधि विच्छेद पूछ सकते हैं इसका, क्या पूछ सकते हैं संधि विच्छेद, ऐसे है ना आप ध्यान रखना कि एक संधि नहीं है इसमें, चार क्वेश्चन है, एक तो क्या है शब्द सूत्र में भी अनुवीक्षण बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक क्या पूछा जाता है उपसर्ग, ठीक है, और इसकी संधि का नाम भी पूछ सकते हैं अनुवीक्षण में कौन सी संधि है, यह संधि, और फिर ये भी पूछ सकते हैं कि अनुवीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा, फिर चार दे देंगे उसमें ऑप्शन, ठीक है, तो चार क्वेश्चन इस प्रकार से। फिर देखो अध्यक्ष, अधि प्लस अक्षर, अब देखो यहाँ पर अधि है, उपसर्ग क्या है अधि, तो ये सही है क्या, नहीं, तो क्या लिखो छोटी, क्या आएगी छोटी, क्यों आएगी छोटी, आएगी छोटी क्यों आएगी, अधि का मतलब क्या होता है ऊपर, अधि का मतलब क्या होता है अक्ष के ऊपर बैठा है, उसको क्या बोलते हैं अध्यक्ष, अध्यक्ष का मतलब जो हमारे सबसे क्या हो ऊपर हो, उसको क्या बोलेंगे अध्यक्ष। फिर देखो गत्यवरोध, वेरी इम्पोर्टेंट शब्द सूत्र में आता है घूम घूम के, इसको देखो क्या लिख देते हैं गत्यावरोध, ये आप लिखे हुए, जैसे देखो मिष्ठान, ठीक है, ये आप लिखा हुआ देखते हो इसमें मिठाई की दुकान पे, जबकि होता क्या है मिष्ठ प्लस अधि, तो क्या हो जाएगा मिष्ठान, ये है इसकी शब्द मिष्ठान, इसको फिर इष्टा लगा लेना है। देखो ये गत्यवरोध जो शब्द है वो शब्द सूत्र में पूछते हैं, गति प्लस बताओ भैया कौन सा आएगा, गति प्लस अवरोध, गत्य प्लस अवरोध, गय प्लस अवरोध, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर देखो बी प्लस है आहार, नहीं क्या आएगा देखो अवहार का मतलब यहाँ पर बी का मतलब विशेष, अवहार का मतलब है आचार विचार, जो व्यवहार किया जाता है उसको ही क्या कहेंगे व्यवहार, आपस में जो संबंध होते हैं विचार होते हैं उसको क्या बोलते हैं व्यवहार। तो देखो बी में अगर इसमें आ जाए तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा भैया, बी कौन सा उपसर्ग होगा, व्यवहार में कौन सा उपसर्ग है, स्वागत में बहुत ज्यादा पूछते हैं उसको स्टार लगा लेना, आप उस समय भूल जाओगे उसमें क्या आएगा सु, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है सु, व्यवहार में कौन सा उपसर्ग है बी, कौन सा है बी प्लस अवहार, और वहां पर क्या है अवहार में अव, क्या है अव, अगला देखो
वेरी इम्पोर्टेंट, शब्द शुद्धि का शब्द है, उपसर्ग का भी है, प्रत्युत्तर। प्रति प्लस उत्तर। अब यहाँ ध्यान दे, देखो ये भैया ये आधा क्या है, फिर यहाँ पर क्या है आधा, ठीक है। प्रति प्लस उपसर्ग क्या हो गया, प्रति, प्रति, और शब्द शुद्धि क्या हो गई, प्रत्युत्तर। अब इसमें देखो कैसे लिखेंगे, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर और बताओ कौन सा आएगा, बताओ सारे गलत लिख दिए, सारे क्या लिख दिए, मैंने सोचा इसमें से आप लोग बता दो मैडम, ठीक है क्या बात, आप है ना मतलब यही अपेक्षा है कि इनको है ना आप ध्यान रखो, क्या रखो, तो भैया प्रत्युत्तर, प्रति प्लस उपसर्ग कौन सा है, उपसर्ग कौन सा है, फिर देखो और अपने से देखते हैं, अभ्यागत, 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 अपनी प्लस आगत। अब इसमें कौन सा उपसर्ग है, देखो इसमें है ना अभ्यागत भी लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा गलत, जैसे गत्यावर होते बोलते हैं, जबकि होता क्या है गत्यावर हो, क्या होता है गत्यावर, ठीक। तो देखो प्रत्युत्तर, प्रति प्लस इनको है ना आप अगर आपको आए नहीं तो एक दो बार इनको देख के और आप कॉपी में बिना देखे लिखने की कोशिश करना, शब्द शुद्धि ठीक हो जाएगी। और देखो उपर्युक्त, क्या हो जाएगा ऊपरी प्लस उपरोक्त लिखते हैं ना सब, उपरोक्त क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इसकी संधि करेंगे तो क्या होगा ऊपरी प्लस, कौन सा इसमें उपसर्ग है, उपसर्ग क्या है ऊपरी, ऊपरी प्लस उप नहीं है इसमें उपसर्ग, पूछे तो आप ये मत देखना कि उप है इसमें उपसर्ग, उप नहीं है, उपरियुक्त में क्या है ऊपरी प्लस, फिर देखो मी प्लस न्यून, मी प्लस ठीक है, छोटा ऊ नहीं आएगा इस बड़ा हुआ और बड़ी नी नहीं आएगी, उपसर्ग कौन सा है नी, इसमें कौन सा है अभी, इसमें कौन सा है प्रति, मैडम प्रति भी आया है, कौन प्रति है, हाँ सही है, कौन क्या है प्रति, जो लिखवाए जा रहे हैं ना भैया पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं, अब देखो अनवीक्षण, अनवीक्षण, अनवीक्षण कौन सा उपसर्ग है, अनु, अनु में बड़ा है या छोटा, छोटा, छोटे छोटे को बुला रहे हो आप, बड़ा नाराज नहीं हो जाएगा क्या, तोड़ दो भैया अनवीक्षण,
पितृपदेश मातृ और पितृ होता है के लिए एक शब्द है जहाँ पर है।
बंद कर दो।